हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू रोजमेरी टाइम्स वी आर गैन बैक विद द वीडियो ऑफ डेली वोकेब्लोरी स्टूडेंट्स रोज की तरह हम फिर डेली वोकेब्लरी करने वाले हैं आज भी मैं आपको टेन वर्ड्स उनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग कराऊंगा वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आइए स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स पहला वर्ड कौन सा है स्टूडेंट्स वर्ड क्या है देखिए प्रोनाउंस करें अपने आप से भी वर्ड है जिनाइल क्या है वर्ड वर्ड है जिनाइल यानी मिलनसार इंग्लिश में इसका मतलब होता है फ्रेंडली स्टूडेंट्स द वर्ड इज जिनाइल द हिंदी मीनिंग इज मिलनसार एंड इंग्लिश मीनिंग इज फ्रेंडली दिन और एमिएबल एंड द एंटोनिम इज अनफ्रेंडली स्टूडेंट्स सिनोनिम्स कौन कौन से हैं हैं एफेबल या फिर एमिएबल और एंटोनिम हो जाता है अनफ्रेंडली Second word क्या है स्टूडेंट्स वर्ड है वर्ड वर्ड क्या है word है यानी उप, उप, उपद्रव करना इंग्लिश में इसका मतलब होता है राइट स्टूडेंट वर्ड इज जैसे पेज दीनिंग रन राइट और स्टॉम एंड काम और पीस स्टूडेंट्स सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाते हैं synonyms हो जाते हैं रन राइट या फिर स्टॉर्म और एंटर हमारा हो जाता है पीस या फिर काम देखते हैं अगला वर्ड तो थर्ड वर्ड क्या है स्टूडेंट्स थर्ड वर्ड है फार्स वर्ड क्या है वर्ड है फार्स यानी तमाशा तमाशा करना इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्लैपस्टिक स्टूडेंट्स द वर्ड इज फार्स द इंग्लिश मीनिंग इज स्लैपस्टिक एंड द हिंदी मीनिंग इज तमाशा द सिनोनिम्स आर बर्लेस्क और व एंटेनिम इज ट्रेजडी स्टूडेंट्स सिनोनिम्स कौन कौन से हैं सिनोनिम्स हैं बर्लेस्क या फिर वॉडविल और एंटोनिम हमारा हो जाता है ट्रेजडी स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा ना आपको प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ वर्ड्स को साथ साथ प्रोनाउंस करते चलिए उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी तो अगला वर्ड क्या है स्टूडेंट फोर्थ वर्ड है असर्ट वर्ड क्या है वर्ड है असर्ट यानी दृढ़ता पूर्वक करना इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है डिक्लेयर स्टूडेंट्स द वर्ड इज असर्ट द इंग्लिश मीनिंग इज डिक्लेयर एंड द हिंदी मीनिंग इज दृढ़ता पूर्वक करना सिनोनिम्स आ मेंटेन और कंटेंट एंड द एंटोनिम्स कॉन्ट्राडिक्ट स्टूडेंट्स सिनोनिम्स कौन कौन से हैं सिनोनिम्स हैं मेंटेन या फिर कंटेंट और जो हमारा एंटोनिम है एंटोनिम है कॉन्ट्राडिक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड द फिफ्थ वर्ड इज इंड्यूस स्टूडेंट्स द वर्ड इज इंड्यूस द इंग्लिश मीनिंग इज परसुएड एंड द हिंदी मीनिंग इज प्रेरित करना स्टूडेंट्स वर्ड कौन सा है वर्ड है इंड्यूस इसका हिंदी में मतलब क्या होता है होता है मतलब इसका प्रेरित करना और इंग्लिश में मतलब होता है परसुएड सिनोनिम्स कौन कौन से हैं सिनोनिम्स है कन्विंस या फिर प्रॉम्प्ट और एंटोनिम है

एक्सेप्ट या फिर ग्रांट और एंटेनिम है deny. तो students, seventh word कौन सा है हमारा seventh word है हमारा इंडिक्ट. इसका हिंदी में मीनिंग होता है दोषी ठहराना और इंग्लिश में इसका मतलब होता है साइट द वर्ड इज इंडिक्ट इंग्लिश मीनिंग इज साइट एंड हिंदी मीनिंग इज दोषी ठहराना जैसे नॉनिम्स एक्विट स्टूडेंट्स क्या क्या हो हैं इसके synonyms? Synonyms होते हैं समन या फिर चार्ज विद

देखते हैं अगली स्लाइड और इसके साथ नाइन्थ वर्ड हमारा क्या है वर्ड है हमारा स्टार्क स्टूडेंट्स द वर्ड इज स्टार्क द इंग्लिश मीनिंग इज शार्प एंड द हिंदी मीनिंग इज निरा स्टूडेंट्स वर्ड है स्टार्क हिंदी में मतलब होता है निरा और इंग्लिश में मतलब होता है इसका शार्प सिनोनिम्स होते हैं क्रिस्प या फिर डिस्टिंक्ट और एंटेनिम हो जाता है फजी स्टूडेंट्स द सिनोनिम्स आर क्रिस्प और डिस्टिंक्ट एंड द एंटेम इज फजी तो स्टूडेंट्स इसी के साथ लास्ट वर्ड और टेंथ वर्ड क्या है वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स वर्ड क्या है वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन क्या हुआ इसका हिंदी मीनिंग हिंदी मीनिंग हुआ संकुचन और इंग्लिश में इसका मीनिंग हुआ श्रिंकिंग स्टूडेंट्स द वर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन द हिंदी मीनिंग इज संकुचन एंड द इंग्लिश मीनिंग इज श्रिंकिंग आर श्रिंकेज और डिक्लाइन एंड द एंटेम इज एक्सपेंशन सिनोनिम्स सिनोनिम्स कौन कौन से हुए synonyms हुए श्रिंकेज या फिर डिक्लाइन और हमारा हुआ एक्सपेंशन समझ में आ रहे हैं ना आप सबको मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो समझ में आ रही ही होगी आपको अच्छे से आज के वर्ड्स उनके एंटरनेम सिनोनिम्स भी समझ में आए होंगे प्रोनाउंसिएशन भी आपको करना आ रहा होगा धीरे धीरे और आपके स्कोर भी इंप्रूव हो रहे होंगे स्टूडेंट्स देखिए जो फ्री क्विज वगैरह आते हैं काफी सारे साइट्स पे आप उसको भी देते रहिए इसके साथ साथ हमारे एक रोजमेरी इंस्टीट्यूट की एक एप्लीकेशन भी है उस पर भी आप कर सकते हैं उसको डाउनलोड उस पर भी हमारे क्वेजेज़ आते रहते हैं और बहुत ही अच्छे वीडियो लेक्चर्स भी आते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए तो प्लीज स्टूडेंट्स आप देखिए उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दिस इज फैकल्टी रिशेड जैन साइनिंग ऑफ चिल्ड्रेन स्टे होम स्टे सेफ़ टेक केयर बाय